नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऋषि सुनक की, और ऋषि सुनक ने जो ऐतिहासिक पल अभी बिताए हैं भारत आने से पहले, क्योंकि वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने जो राम भक्ति दिखाई है और स्टेज पर जाकर जय श्री राम बोला है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर राम कथा में भाग लिया है, मैं उस पर पूरी चर्चा करूंगा। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऑडियंस जो मेरे को सुनना चाहते हैं, हालांकि मेरे पास समय नहीं होता है, मैं आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को देने की कोशिश करता हूँ, और कभी लाइव करता हूँ तो कभी टाइम नहीं होता, तो दिन में कोर्ट होता है तो फिर वो रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। बट बहुत सारे साउथ इंडिया के लोग जो ये लगातार कहते हैं कि साहब इंग्लिश में दे दिया करिए, और विदेशों में बैठे लोग बहुत सारे मेल करते हैं जो कहते हैं इंग्लिश में। मैंने एक दो बार इंग्लिश में डालने की कोशिश की लेकिन वो बहुत चला नहीं, क्योंकि हिंदी ऑडियंस ने उसको बायकॉट कर दिया। तो अभी एक नया आइडिया दिमाग में अपने कार्यकर्ताओं ने दिया है, उन्होंने कहा कि साहब आप पूरा हिंदी में बोल दीजिए, देन 5 मिनट उसको इंग्लिश में पीछे लास्ट में लगा दीजिए, 5 मिनट 4 मिनट में, तो जो इंग्लिश ऑडियंस है वो पीछे उसको सुन लिया करेगी। सो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट दैट वॉट पोर्शन वी कैन गिव फॉर द English people, whoever knows English or who can understand in English, whether from the South India or from overseas citizen of India, and whoever want to listen, whoever want to get the matter in English. Okay, so now started. हुआ प्रकरण दूसरा है। प्रकरण ये हुआ है कि ऋषि सुनक भारत आने वाले हैं, भारत की यात्रा पर उनका तय है। अब भारत की यात्रा पर आने से पहले भारत को एक संदेश देना आवश्यक है, क्योंकि इस समय इंग्लैंड, और मैं उसको दोनों तरह से कहूँगा, क्योंकि इंग्लैंड में एक बड़ी बात आती है, दे आर द एथनिक पीपल, वो लगातार वो छोड़ रहे हैं, रिलीजन छोड़ रहे हैं, और ब्रिटेन या मैं कहूँ यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर तीन चीज़ें भरी हुई, रिलीजन और विदाउट रिलीजन। तो वो जो हैं वो एथनिक लोग या विदाउट रिलीजन लोग भरने लगे, उनका कोई रिलीजन नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में यूरोप में लोग अपने आप को नॉन क्रिश्चियन कहने लगे हैं। वो भारत में भले ही अमेरिका की तरफ से या और कंट्रियों की तरफ से ये चलाया जाता हो, अभियान चलाया जाता हो डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से, लेकिन उनकी अपनी स्वयं की आस्थाएं धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी से हटने लगी। इसका परिणाम ये भी निकल रहा है कि जो शरणार्थी इन देशों ने लिए थे, उन शरणार्थियों में ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रियों के थे, और उन्होंने वहाँ आतंक मचाना शुरू कर दिया है। उसका कारण भी यही है कि ये जो ओरिजिनल उनका रिलीजन है उसको त्याग रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि हिंदुत्व की तरफ उनका लगातार रुझान बढ़ रहा है, तो हिंदुत्व को वो एक लिबरल फोर्स मानना शुरू कर दिया, हालांकि अभी भी उसकी एक्सेप्टेंस उस लेवल की नहीं है। ऐसा अपने कार्यकर्ता जो वर्ल्ड वाइड रहते हैं वो कहते हैं कि साहब हिंदुओं को बड़े निकृष्ट समझते हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हिंदुत्व को लेकर बहुत सारी फिलॉसफीज़, बहुत सारी अवधारणाएँ लोगों की बदली हैं, भारत को लेकर अवधारणाएं बदली हैं, भारत की तरफ पॉजिटिवली देखने लगे हैं, भारत के रिलीजन को पॉजिटिवली देखने लगे हैं, हिंदुत्व को पॉजिटिवली देखने लगे, लेकिन फिर भी अभी बहुत आवश्यकता है, ऐसा अपने कार्यकर्ता वर्ल्ड वाइड कहते हैं। लेकिन एक एक वो व्यक्ति होता है जो ये कहता है कि मैं कुछ भी करूँ, मेरा जो धर्म है वो प्रथम, मैं धर्म और रिलीजन में फ़र्क बताता हूँ, रिलीजन को संप्रदाय कहते हैं, धर्म का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, धर्म निरपेक्ष कुछ हो नहीं सकता, यानी कि धर्म ही अगर नहीं होगा तो फिर संसार चल नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि धर्म की रक्षा आप करिए तो धर्म आपकी रक्षा करता है। उसको दूसरे शब्दों में आचार व्यवहार सदाचार ये हम कहते हैं, यानी कि व्यवहार नीति आपकी क्या हो वो धर्म है, आपके आपको कैसे बिहेव करना है वो धर्म है। आज के शब्दों में अगर हम कहें तो दैट इज़ इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड तीसरे शब्द में हम कहें लॉ, मतलब लीगल अफेयर्स, कि कानून बनाकर हमने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, तो उसको हम धर्म के नाम से कभी जाना करते थे, और हम धर्म के हिसाब से उसको इस्टेब्लिश किया था। और रिलीजन वो है जो पूजा पाठ की पद्धति को बताता है कि हाउ टू प्रे योर गॉड, हाउ टू कनेक्ट विथ योर गॉड, अपने अल्लाह के साथ, भगवान के साथ, या आप ईसा मसीह को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसके साथ आपका व्यक्तिगत संपर्क कैसे हो, उसके लिए ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या फिर वो मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं। लेकिन इस्लाम की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो धर्म और रिलीजन में फ़र्क ही नहीं जानते, वो अभी बहुत पिछड़े हुए हैं इन मामलों में, वो अभी रिलीजन से ही बाहर नहीं
नहीं निकल पाए हैं, इसलिए रिलीजन और धर्म को मिलाकर मिक्स करके करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर इन दैट ट्रबल। वो आज विश्व में समस्या में इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म और रिलीजन में फ़र्क जानते ही नहीं, लॉ और रिलीजन में फ़र्क जानते ही नहीं। एंड दे हैविंग द 1500 ईयर्स ओल्ड फिलोसफी, उनकी 1500 साल पुरानी फिलोसफी है और इसलिए वो उसको समझते नहीं। खैर, लेकिन एक बात यह है कि जो धर्म को जानता है, जो अपने रिलीजन को जानता है, हू एवर फॉलोइंग देयर ओन रिलीजन, दे मस्ट हैव टू फॉलो देयर रिलीजन बट विदाउट हार्मिंग टू द अदर्स। ये मुझे लगता है कि सबको ध्यान में रखना चाहिए, आप जो रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजन को मानिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उस रिलीजन से मेरी आत्मसंतुष्टि हो, किसी दूसरे को नुकसान ना हो। एंड वी ऑलवेज मस्ट बी ओपन टू डू द डिस्कशन ऑन रिलीजन, और रिलीजन पर सदैव डिस्कशन। जब तक रिलीजन पर चर्चा ना हो तब तक मुझे लगता है रिलीजन चरितार्थ नहीं होता। रिलीजन पर चर्चा से मतलब हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते थे वो हम कहते हैं कि धर्म की चर्चा हम करते हैं, या शास्त्रार्थ उसको कहा जाता था। शास्त्रार्थ रिलीजन को भी लेकर कहा जा सकता है, शास्त्रार्थ धर्म को लेकर भी किया जा सकता है। शास्त्रार्थ से मतलब आज लीगल आर्गूमेंट कोर्ट में होते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में लीगल आर्गूमेंट होते हैं और उसके बाद वी कम ऑन द कंक्लूजन दैट व्हाट टू डू, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि कैसे करना है और क्या सही होना चाहिए। ये आज भी चलता है। What happened? ऋषि सुनक भारत में आने से पहले मेरा मानना यह है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया दैट वॉज वेरी पावरफुल। ही सेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पहली बात तो यह है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ने जाते हैं। मैं अगर मानकर चलूँ तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विदेशों से ही चलती है, इंग्लैंड से नहीं चलती, यूके से नहीं चलती, और उसमें भी भारत से बड़ी संख्या में लोग पढ़ने वहाँ जाते हैं। और अब तो मोदी जी के आने के बाद वहाँ ये भी हो गया है कि द पीपल फ्रॉम इंडिया नाउ दे आर फॉलोइंग देयर ओन रिलीजन। वो उनके प्रभाव में आने की बजाय अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने और अपने रिलीजन को वहाँ सामने रखना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या होता था कि वहाँ जाने के बाद हम सेकुलर हो जाते थे, वहाँ जाने के बाद हम एकदम उनके रास्ते पर चल जाते थे। मैंने जैसे उस दिन बताया था आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, ऑनरेबल जस्टिस तरुण चटर्जी का की मृत्यु हो गई, उसका शोक संवेदना होनी थी कोर्ट नंबर एक में, सारे जजेस बैठे हुए थे। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस तरुण चटर्जी के किसी एडवोकेट ने, जो उनके साथ ही रहे होंगे, उन्होंने कहा कि भाई काशी विश्वनाथ में जब वो गए दर्शन करने तो उन्होंने पुजारियों से कहा कि आप रहने दो, मैं स्वयं पूजा करूंगा, और उन्होंने घंटों के हिसाब से पूजा करी। वो महाकाल के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्वयं से पूजा करी, दे चैटेड, उन्होंने चैंटिंग करी मंत्रों की, और उनको ऐसे ही खुले मंत्र याद थे। वो मंदिरों में जाते थे, पूरे देश के उन्होंने मंदिरों के दर्शन करे, और ये सौभाग्य से इनके साथ थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सो ही वॉज नॉट अ सेकुलर, ही हैड हिज ओन रिलीजन, उनके अपना रिलीजन था, अपने रिलीजन को मानते थे, बट बींग ए जज ही वॉज द सेकुलर। जज होने के नाते सेकुलर होते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को ये संदेश ना जाए या कोई ये कहने लगे कि नहीं साहब आप तो मंदिर जाते हो। सो जस्टिस चटर्जी, तो मेरे बगल में एक बड़े अच्छे मित्र हमारे बैठे थे, उनसे मैंने कहा देखो ये बात तो भाई देश को बताने वाली है कि ऑनरेबल जस्टिस चटर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए भी कितने भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए तो वो कुछ कर नहीं पाए, अगर वो वाकई में कुछ कर लेते तो बहुत आगे पहुँच जाते, और ये वो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। यानी कि, और वो सज्जन भी विदेश में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और वो किसी बड़े संस्थान में संसार के काम भी कर आए थे, मतलब इंटरनेशनल यूएनओ के किसी इंस्टीट्यूशन में, मैं नाम नहीं बताऊँगा उनका भी और उनके उसका भी, लेकिन वो बड़ी पोस्ट पर थे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। मैं इसे कह रहे हैं कि नो, मतलब मुझे लगा कि देखो ये कैसे बदल गए हैं और ये वहाँ पढ़ने जाने के बाद इनका कैसे विचार बदल गया। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों में जब लोग जाते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं, उनका रिलीजन से वो हटाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं तुम तकियन उसी लोग हो, तुम बेकार के लोग हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम केवल रिलीजन और ये करते रहते हो, धर्म का उनको ज्ञान नहीं होता, धर्म को वो जानते ही नहीं हैं कि धर्म क्या होता है। तो हमारे यहाँ के लोग कन्फ्यूज होकर धर्म और रिलीजन का डिस्टिंक्शन न करते हुए उनके राह पे बहने लगते हैं, और जब लौट कर आते हैं तो फिर वो भारत में अपना ज्ञान पेलते हैं हम सबको कि नहीं भाई ऐसे नहीं, आप तो गलत सोचते हो, आप तकियन उसी सोच रखते हो, आप पुरानी सोच रखते हो, इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे, इसलिए बेकार हो। ऋषि सुनक के समय पर जब वो प्रधानमंत्री हैं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बापू की कथा हो रही है। आप सोचो
बापू की रामकथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है और उसमें ऋषि सुनक ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करते हुए उन्होंने वहाँ पर कहा, आई एम नॉट हेयर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, आई एम हेयर बिकॉज आई एम ए हिंदू। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं यूके का प्रधानमंत्री हूँ, एंड माई रिलीजन इज़ वेरी कन्फर्म वेरी फर्म, और मैं अपने रिलीजन को लेकर, अपने संप्रदाय को लेकर, अपनी पूजा पाठ को लेकर बिल्कुल फर्म हूँ, सुनिश्चित हूँ कि मुझे ईश्वर की आराधना करनी है और मैं हिंदू हूँ। मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होने के बाद ऋषि सुनक इज सेइंग दैट आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व ही मेरा अपना रिलीजन है। और आशाराम और मुरारी बापू की कथा हो रही थी। मुरारी बापू के लिए हालांकि बहुत सारे लोगों ने पीछे कंपेन चलाया था, बट हिज ओपिनियन वॉज वॉट, वो ये कह रहे थे कि वी कॉल्ड ऑल द रिलीजियस पर्सन, हम रामकथा सबको सुनाते हैं, किसी भी रिलीजन के लोग हों हम रामकथा सबको सुनाते हैं, मुसलमानों को भी सुनाते हैं, ईसाइयों को भी सुनाते हैं, पारसियों को भी सुनाते हैं, हम रामकथा यहूदियों को और हिंदुओं को तो सुनाते ही सुनाते हैं। इसलिए हमारी रामकथा के अंदर वी मेक सम कमेंट्स, हम कुछ कमेंट करते हैं, कुछ अपनी बुराई भी करते हैं, कुछ उनकी अच्छाई भी बताते हैं, और उसके बाद लोग हमारे पास लगातार आते रहेंगे। ऐसा लोगों का कहना है कि मुरारी बापू की कथा में लोग आते रहेंगे, देन दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ टू द हिंदुज़्म, और एटलीस्ट वो अपनी जो ओरिजिनल उनका रिलीजन है उससे दूर होते जा रहे हैं। बिकॉज राम कथा सुनने के बाद अगर सनातन सत्य कुछ है तो वो राम कथा है, एंड वी अप्लाइड ऑल द वेदास, वी अप्लाइड ऑल द धार्मिक थिंग्स ऑन लाइफ ऑफ राम, भगवान राम के जो जीवन चरित्र है उसमें हमने सब कुछ अप्लाई किया है और बताने की कोशिश की है। सो नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस इज दिस कि ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री होने के नाते जय श्री राम का नारा वहाँ पर लगाया उन्होंने, और जय श्री राम का नारा लगाने के बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, और उस संबोधन में वो अपने आप को हिंदू कहकर संबोधित किया और कहा कि मेरा हिंदुत्व है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। सो दैट इज़ ए गुड थिंग। ये भी हो सकता है कि भारत आने से पहले ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा हो, क्योंकि ब्रिटेन को, यूके को आज भारत की आवश्यकता है, भारत की मार्केट की आवश्यकता है, भारत के साथ ट्रेड की आवश्यकता है, क्योंकि रिसेशन संसार भर में आ रहा है और वो रिसेशन चाइना को लगभग उसने कैप्चर कर लिया है, थोड़ा बहुत यूएसए को कैप्चर कर लिया है, अब यूरोप में भी इस समय यूके परेशान है, लोगों का कहना है ब्रेग्जिट के बाद परेशान है, लेकिन यूके परेशान तो है, तो वो उनको एक मार्केट चाहिए। भारत अपनी मार्केट खोलेगा कि नहीं खोलेगा, इस पर हम पिछले 2 साल से उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक के बैठने का मुख्य कारण भी ये बताया जा रहा है कि भारत के साथ वो संबंध अच्छे कर लेंगे, और ऋषि सुनक फर्म इंडियन हैं, फर्म हिंदू हैं, वो सिटीजन तो वहाँ के हैं, दी एंड ही इज़ द प्रीमियर देयर, लेकिन वो ये संभव है कि वो प्लांट किए जा रहे हों। बट मेरा मानना ये है कि कैम्ब्रिज में और दूसरी जगहों पर अगर वो रामकथा सुनकर ये बात कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो डर नहीं रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन यूके का सामने खड़ा हुआ है और इलेक्शन ऋषि सुनक के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसा संभव है, और ऋषि सुनक के नेतृत्व में अगर रिलीजियस मामला भड़क गया तो संसार का सबसे बैड इलेक्शन अगर कोई होता है तो वो रिलीजन के आधार पर लड़ा गया इलेक्शन होता है, जिसमें आपने कोई धार्मिक कृत्य करा हो, आपने कोई प्रोग्रेस करी हो, आपने कुछ भी सीना निकाल कर रख दिया हो, हार्ड निकाल कर सबके सामने रख दिया हो, फिर भी रिलीजन जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर वो स्वेप हो जाता है, क्योंकि रिलीजन हमारी जड़ों में, रिलीजन हमारे ड्रॉप ऑफ ब्लड में है, और रिलीजन आप खाड़ी में तो आप जानते ही हैं कि वो सब कुछ सर्वस्व बर्बाद करने को है, लेकिन रिलीजन को समझ नहीं पा रहे। पाकिस्तान उसका एक इलस्ट्रेशन है कि वो अपने ही घर को जलाते हैं रिलीजन को लेकर, अगर कुरान फाड़ी जा रही है स्वीडन में तो आग लगेगी पाकिस्तान में, अब स्वीडन में अगर कुरान जलाएगी, डेनमार्क में कुरान जलाएगी, तो पाकिस्तान में क्यों भाई आग लगा रहे हो, आप जाओ वहीं पर आग लगाओ, स्वीडन और डेनमार्क में जाओ, लेकिन वो अपने घर में आग लगाते हैं, यानी कि रिलीजन के नाम से अपने ही घर फूंक लेते हैं। दीज आर द पीपल हु आर मोर एंड मोर फोबिया पर्सन, इनको फोबिया हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि रिलीजन का चुनाव बड़ा खतरनाक हो जाता है जब रिलीजन बीच में आ जाता है। तो ऋषि सुनक इतने गमगीन माहौल में अगर राम कथा सुनने जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में कथा करने की अनुमति दी जा रही है और वहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। आई थिंक वी हैव ट्राइड टू कन्विंस ऑल ऑफ यू, एंड ऋषि सुनक वॉज इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड कैम्ब्रिज गिविंग द परमिशन टू द मुरारी बापू for the chanting of
जय श्री राम. दे हैव गिवन द परमिशन फॉर द एक्सप्लेनेशंस ऑन कमेंट्री ऑफ रामकथा. एंड ऋषि सुनक हिमसेल्फ प्रेजेंट देयर एंड ही सेड दैट आई एम हेयर बीइंग नॉट बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, आई एम हेयर बीइंग ए हिंदू एंड आई एम ए हिंदू एंड आई एम फर्म दैट आई एम ए हिंदू एंड बिकॉज आई एम ए हिंदू दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट जय श्री राम एंड माई फेथ इज टू द राम, माई फेथ इज टू द हिंदुत्व एंड माई फेथ इज द गॉड whoever follows whoever god is followed by the hindus. So what the rishi sunak said there, it is possible that the rishi sunak was saying this because there may be the policy of the of uk, because uk required some hard relations with the india, because uk is in the problem. They are monetary, they are facing the monetary problem, and in that monetary problem they want to get the Indian market. If they will get the Indian market, then the effect of the Brexit will be minimized and they can survive right now, because the recession is on the doors of Europe, and in some countries of the Europe they are under the recession. UK, you can think that the US is already in effect of the recession. China is already in the effect of recession, and the expert of the world is saying that zero recession effect will be for India, and India will not be affected by the recession. Why? Because there is a Modi, and God having some blessing with the Modi, God having some blessings with the Yogi ji, and Modi ji and Yogi ji having the God blessings. That is why the India is doing a well done from in all the fields. That is why all the countries of the world are looking towards the India, that if India will open the market for any country, then that country will survive, that country will be able to face the recession. Right now is on the doors of every country. So that is why it is also possible. But whatever the statement is given by Rishi Sunak, that is very nice. He said that I am a Hindu, I am here, I am saying Jai Shri Ram, and I not being a prime minister of UK, I am here with the being a Hindu, and I am participating in the Ramkatha in the Cambridge University. Whatever, whoever is given the permission in the Cambridge University, we all knows that in Cambridge University there is a campaign against the Hindutva. If any person, any student there said that Jai Shri Ram or chant the Jai Shri Ram, or they give the philosophy of Hinduism that the Hinduism is the greatest religion of the world or greatest dharma of the world, then they rusticate that student. We having some illustrations of a lady from Maharashtra, from Mumbai, was rusticated, and she was the president of Cambridge University. So she was rusticated. Why? Because she was saying that Hinduism is the best of the world, and we are the dharmic people, and dharm is the basis of all the laws, and dharm is the basis of all the things whatever is in the world. That is why, and right now Cambridge is giving the permission for Cambridge University is giving the permission for the for the Murari Bapu's Ramkatha. That is also a thing, and we having some pledges towards the Murari Bapu, that he tried so. And Rishi Sunak, we having some pledges to the Rishi Sunak, we having some thanks to the Rishi Sunaks, that Rishi during the Rishi Sunak's government we have gotten the permission for that, all that. So I think that it's a good sign for India. I think that it's a good sign, after working of Modi's, after Modi's working in the world, and after Modi's effort for the respect of India for all over world. So thankful to Rishi Sunak, and Rishi Sunak is the original person in my opinion, that he is saying after a PM of UK that I am a Hindu and Jai Shri Ram is my chanting towards the God. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.